मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्र और उदयपुर संकुल के शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा गठित जिला स्तरीय दल ने औचक निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्र और उदयपुर संकुल के शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा गठित जिला स्तरीय दल ने औचक निरीक्षण किया। विदिशा डाइट के निरीक्षण दल के क्षेत्र के विद्यालयों में शाला सिद्धि और दक्षता उन्नयन का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें शाला सिद्धि के 7 आयाम के 46 मानकों, दक्षता उन्नयन के बूस्टर कार्यक्रम, विद्यार्थी ट्रैकर शीट, शिक्षक हैंडबुक, विद्यार्थी वर्कबुक, शाला भवन परिसर और स्कूल के विभिन्न अभिलेखों का निरीक्षण किया, जिसमें शिक्षकों और अभिभावकों के मध्य संबंधों और सामुदायिक भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया। बच्चों की उपस्थिति और दक्षता को प्रमुखता से टटोला। स्कूलों में 100% नामांकन, उपस्थिति और दक्षता उन्नयन के निर्देश दिए। स्कूल में राज्य शिक्षा केंद्र नीति आयोग के निर्देश अनुसार शाला में गतिविधि आयोजित करने में सख्त निर्देश दिए गए हैं। कुरवी पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। जी, जो आज डाइट की मैडम जी द्वारा स्कूलों का निरीक्षण किया गया, उसमें मैडम जी ने भी बच्चों से चर्चा की, वाक्य पूछे, शब्द पूछे, अंक ज्ञान भी करवाया और शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश दिए कि सतत निगरानी इसकी होगी और आप अच्छे से अच्छे बच्चों को सिखाएं, मेहनत करें और सब ठीक रहा। मैडम जी ने यही निर्देश दिए सभी शिक्षकों को। ये निरीक्षण जो शासन द्वारा दक्षता उन्नयन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसमें बूस्टर कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये कि 1 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक बूस्टर कार्यक्रम चलेगा। इसमें दक्षता, मूलभूत दक्षताएं बच्चों को आनी चाहिए, जिसमें हिंदी विषय में बच्चों को अंक पहचान, गणित में अंक पहचान, जोड़ घटा गुणा भाग, ये संक्रियाएं आनी चाहिए। हिंदी में अक्षर पहचान, शब्द, वाक्य और कहानी स्तर तक बच्चों को ये दक्षताएं आनी चाहिए। इसके लिए शासन ने टीचर हैंडबुक प्रदान की गई है और वर्कबुक बच्चों से भरवाई जाएगी। टीचर हैंडबुक से गतिविधियां कराकर अभ्यास कराएंगे बच्चों से, उसके बाद वर्कबुक करवाएंगे। 15 दिन बाद ट्रैकर शीट भरी जाएगी, इससे टीचर ट्रैक करेंगे कि हमारे बच्चे में कितनी दक्षताएँ हासिल कर दी गई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।